नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात करेंगे जदयू के उस एमएलसी की जिनके ठिकानों पर बहुत छापेमारी हुई और कल से ही हुई इनकम टैक्स की। इस छापेमारी के बाद बड़े बड़े खुलासे हुए। दरअसल आरा से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक इनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। खुलासा ये हुआ है कि इनके पास से इतनी संपत्ति बरामद की गई है, इतने नोट बरामद किए गए हैं कि उन नोटों को गिनने के लिए एक नहीं दो दो मशीनें मंगाई गई, उसके बाद जाकर के नोटों को गिना गया। इसके साथ ही जदयू एमएलसी राधाचरण साह के ठिकानों पर छापेमारी के बाद जेवरात की भी बरामदगी हुई है। मतलब ये हुआ कि कितने पैसे इनके पास थे। देखिए, चल अचल संपत्ति की जांच का मामला था और इसी के तहत इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। एसएसबी के जवान जो है वो सुबह से ही मंगलवार को धरना दे चुके थे उनके कई ठिकानों पर, और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। कुछ बालू कारोबार माफियाओं पर भी कार्रवाई हुई। पटना से तस्वीरें भी आपने देखी, किस प्रकार इनकम टैक्स की जो टीम है उसने पटना में भी छापेमारी की। लेकिन राधाचरण साह जो कि जदयू के एमएलसी हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद गजब गजब के खुलासे हुए। देखिए, जदयू के विधान पार्षद राधाचरण साह की आरा पटना से लेकर दिल्ली तक के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने मंगलवार को एक साथ छापा मारा। भोजपुर में छापेमारी के क्रम में आयकर टीम को राधाचरण साह के बाबू बाजार स्थित आवास, अनाइट फार्म हाउस, रमना मैदान, शहीद भगत स्थित होटल, बाईपास रोड स्थित रिसोर्ट से काफी नगद और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। ये भी बात सामने आई है कि इस दौरान नगद गिनने के लिए आयकर की टीम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दो मशीन मंगानी पड़ी नोट गिनने के लिए। चर्चा है कि नगद 1 करोड़ से अधिक है, बैंक के लेन देन भी 100 करोड़ से अधिक बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इनकम टैक्स की तरफ से जो छापेमारी हुई है उसे लेकर के कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है इन संपत्तियों को लेकर के, इन खुलासों को लेकर के। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चल रही हैं, जो मीडिया के तहत खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ये खबर सही है कि दो मशीनें मंगाई गई नोटों को गिनने के लिए और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही ये भी बात सामने आई है कि ये सोने चांदी के बड़े ही शौकीन रहे। देखिए, इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए एसएसबी समेत अन्य केंद्रीय फोर्स की टीम की भी छापेमारी में सहयोग लिया गया। टीम के साथ इनकम टैक्स के कमिश्नर रैंक के अफसर छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे। सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू हुई और छापेमारी की आधिकारिक पुष्टि के लिए इनकम टैक्स के बिहार के कई अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई है, लेकिन अधिकारियों ने मीडिया से फिलहाल दूरी बनाई हुई है। राधाचरण से फोन से संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उनके मोबाइल अभी आउट ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ रीच, स्विच ऑफ, यही सब कुछ बता रहा है। लेकिन फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स की दबिश के बाद देखिए सियासत भी तेज है और कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की नजर उन नेताओं पर क्यों नहीं जाती, उन लोगों पर क्यों नहीं जाती जो बीजेपी से संपर्क रखते हैं। ये बातें सत्ता पक्ष के लोगों का बिहार में कहना है, लेकिन उसके इतर बिहार में कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। कहीं इनकम टैक्स की रेड चल रही है तो कहीं बिहार के अंदर खाने ही कई अफसर और कर्मचारी अधिकारी फंसते जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि राधाचरण साह जो कि जदयू के एमएलसी हैं, उन्हें लेकर और कौन से बड़े खुलासे होते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।